अधिकारी लो ऐसा है, जब BDO कमा रहा है, CEO कमा रहा है, अधिकारी सब कमा रहा है, थाना में दलाली हो रहा है, कलेक्टर की है दलाली हो रहा है, तो कौन देखने वाला? आप लोग 5 साल के बाद वोट लेने के लिए आएंगे और बोलेंगे ये विकास होगा, ये विकास होगा, क्या विकास यहाँ हो रहा है? देखिए सुशासन की सरकार है और क्या बोलते हैं कुर्सी कुमार का करता रहा वार्ड मुखिया, चोटपन करता है, चोरावता चोरावता लोग, बूढ़ा पेंशन किसको जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं जे सर्वदलीय का सरकार बने, निर्दलीय का, सर्वदलीय का, सर्वदलीय कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बने, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार बने, आप नेता है, नेता है, क्या है नेता में? CPIML के नेता है। अच्छा अध्यक्ष है का? नहीं हम अंचल के हैं। अभी हम चौपटिया विधानसभा के अंदर चौपटिया प्रखंड के करणपट्टी गांव में हम लोग उपस्थित हैं और एक ग्राम पंचायत राज खर पकड़िया पड़ता है और मैं कुछ लोगों से यहाँ बात किया हूँ और कुछ महिलाओं से बात किया हूँ कि यहाँ पे समझिए कि रोड का जो समस्या है ये बहुत भारी समस्या है। रोडवा से यही समस्या है कि यहाँ पब्लिक को आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कहना यही चाहते हैं कि रोड इसे बनवा दे जब पब्लिक को सुविधा, दिक्कत हो जाता है। आपका उम्र हो गया, बूढ़ा पेंशन मिलता है कि नहीं आपको? मिलता है, मिलता है, टाइम पे आता है? हाँ टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं होता है? और जल नल मिल रहा है कि नहीं गाँव में? जल नल नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कितने नंबर वार्ड है ये? 10 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड है, जल नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज, मैं सूरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चरबटिया विधानसभा के अंदर एक ऐसा रोड में हम लोग मतलब मौजूद हैं, समझिए कि यहां पर हम कुछ बात करेंगे कि कब से ये रोड मतलब ऐसा हुआ है और कब से ये ऐसा पड़ा है और कब तक ये बनेगा। मैं कुछ सवाल लेकर बात करूंगा। ये अभी हम लोग उपस्थित है चरबटिया विधानसभा के अंदर चरबटिया प्रखंड में, ये गाँव है करणपट्टी और यहाँ जो पंचायत है वो ग्राम पंचायत समझिए कि राज खैर पोखरिया है। मैं कुछ बात करूंगा इस रोड के बारे में। सबसे पहले क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम परवेज आलम है। सर पंचायत कौन सा है? ये पंचायत राज खैर पोखरिया है। और जो समस्या दिखाई दे रही है कब से है समस्या रोड का? ये समस्या 10 साल से, मैंने उमाकांत सिंह जी से बात किया था तो माननीय उमाकांत सिंह चंदबुड़िया क्षेत्र विधानसभा है, उन्होंने कहा जी ये रोड आता है पंचायत के द्वारा, मुखिया के द्वारा, तो मैंने मुखिया से बात की भी बोला जी ये रोड कैसे हो लगा, लोगों की बहुत समस्या आ रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है, तो मुखिया जी बोले ये विधायक अंडर में आता है। मान लीजिए आम जनता परेशान है, जनता किसके पास जाए? सिर्फ आप लोग 5 साल के बाद वोट लेने के लिए आएंगे और बोलेंगे ये विकास होगा, ये विकास होगा, क्या विकास यहाँ हो रहा है? देखिए सुशासन की सरकार है और क्या बोलते हैं कुर्सी कुमार की सरकार है। मैं कुछ बात करूंगा यहाँ के महिलाओं से कि आखिरकार इस रोड से क्या क्या परेशानी है। कोई गोइल भाई लड़का भाई का गोइल आई दिक्कत हो जाता है। आपका उम्र हो गया, बूढ़ा पेंशन मिलता है कि नहीं आपको? मिलता है, मिलता है, टाइम पे आता है? हाँ टाइम पर, कोई दिक्कत नहीं होता है? और जल नल मिल रहा है कि नहीं गाँव में? जल नल नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। कितने नंबर वार्ड है ये? 10 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड है, जल नल नहीं मिलता है। बनी की ना? बनी। कितना बनवाओ जाकर के रोड बनी? कब से यात्रा परल भाई? कितना दिन से परल बा? बहुत दिन से परल बा। वोट गिराओ जाने की ना रहुआ? जाई ने। तो जाने तो पहले सवाल रुआ से कॉल जला कि ना कि आई सब आई कि ना फंड होगा ना तो वो पुलिस चोर अपन कार बा मुखिया के आओ हट के सब के। अच्छा देखिए मैं बात करने वाला हूँ ऐसी सरकार जिसमें समझिए रोड और जहाँ तक देखा जाए तो महिलाओं की सुविधा के लिए सरकार समझिए कि पूरा कठिन परिश्रम से काम कर रही है। सबसे पहले चाचा ये रोड से क्या समस्या बरा हो? रोड तो खराब हो जाएगा। समस्या बाकी नहीं बताई ना? कितना दिन से रोड देखते हैं? रोड अगर माई बाप नहीं के कोई जगह खोल जाए मतलब लगभग मतलब कितने साल से आप देख रहे हैं? 7-8 साल से। 7-8 साल से, उससे पहले बना था? हाँ बना रहा है, बना रहा है। देखिए 7-8 साल एक बार रोड को बनवाया जाता है और उसको समझिए कि 10 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, इसलिए कि वहाँ की जनता जानती है कि हाँ ये रोड तो समझिए बना हुआ है तो क्या आवाज उठाएंगे हम लोग। और समझिए सबसे जो एक विशेष जहाँ तक बातें होती है, समझिए कि यहाँ का जो चालक है जो यहाँ से आते हैं जाते हैं, क्या नाम होगा जी आपका? रोड से जा रहे हैं, कोई परेशानी है कि नहीं आपको? बहुत परेशानी है। रोडवा बन जाएगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? इसको जल्दी बनाया जाए। बनाया जाए? वोट गिराने जाते हैं? जल वल मिलता है कि नहीं? नहीं जल नहीं मिलता है। बिहार के अंदर एक बड़ा समस्या समझिए कि सबसे मतलब क्या हम कहें ना, नल जल का जो योजना आया ना सबसे घटिया योजना आया है हमारे देखते थ्रू में, और ऐसा योजना ना आना चाहिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माननीय नीतीश जी से। मैं कुछ और बात करूंगा यहाँ पर आकर के। क्या नाम होगा जी आपका? अरमान। अरमान जी कहाँ घर है आपका? यही करमपट्टी। यहीं पे है। कब से रोड ऐसा पड़ा है? रोड तो बहुत दिन से ऐसे पड़ा है। मतलब तो लगभग कितने दिन से पड़ा है? 10 साल से पड़ा है। और 10 साल पहले ये बना हुआ था? हाँ पहले था। तो एक बार समझिए 10 साल में आपको अगर एक महीने में एक बार खाना दिया जाए तो आप रह जाइएगा? तो सरकार से कहाँ नहीं लौटते आप लोग?
सरकार से एक आदमी के लड़ने से थोड़ी हो जाएगा। तो आप लोग समझिए, जब तक इकट्ठा नहीं कीजिएगा, सम्मेलन नहीं होगा, तब से कहाँ से होगा? क्या करता रहो वार्ड मुखिया? चोटपन करता है, चोरावता है। बुढ़ापे से आने का चाची रहू आवेला बुढ़ापे टाइम से आवेला नु कोनो दिक्कत नहीं होला। आ इंदिरा आवास, इंदिरा आवास हमने के मिलल बा, मिलल बा। आ फिर मिलता ना भी नहीं मिलो, नहीं मिलो। चलिए मैं अगर बात किया जाए जहाँ तक बिहार की, तो बिहार में समझिए कि ये बोला जाता है कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो अब का हम बताए, पूरा सिस्टम ही हिला हुआ है। अभी हम चौपटिया विधानसभा के अंदर चौपटिया प्रखंड के करणपट्टी गांव में हम लोग उपस्थित हैं और एक ग्राम पंचायत राज खर पकड़िया पड़ता है। और मैं कुछ लोगों से यहाँ बात किया हूँ और कुछ महिलाओं से भी बात किया हूँ कि यहाँ पे समझिए कि रोड का जो समस्या है ये बहुत भारी समस्या है। और जहाँ तक देखा जाए तो ये सरकार जो चल रही है ना, ये समझिए कि महिलाओं के लिए लड़ रही है। और यहाँ पे जो समस्या जो आ रही है ये पूरा का पूरा समझिए युवा का समस्या है और जब पूरा जनता का समस्या है। और मैं कहाँ तक बात करूँगा अब, मैं क्या बोलूँ इस सरकार के बारे में? पैसा बना सरकार के सब पैसा ले रखा कर लो। सिफ्टी के पैसा कितना मिला था आपको? एक रुपये देखे मिला एक रुपये 12,000 रुपया सिफ्टी का आता है, कितना मिला आपको? एक रुपया ना, एक रुपया नहीं मिला। देखिए घटिया से घटिया ये मतलब सिस्टम हो चुका है बिहार का। मैं कुछ बात करूंगा, सिफ्टी के पैसा मिल रहा है राहुल? ना मिल रहा है। सिफ्टी बढ़ रहा है? सिफ्टी बना रहा है। वो सब लूट के चला गया है, पैसा ले लिया है, सब ठेकेदार के द्वारा बना गया है। अच्छा, ठेकेदार लूट के चला गया यहाँ। तो यहाँ का अधिकारी लोग ऐसा है जो बीडीओ कमा रहा है, सीओ कमा रहा है, अधिकारी सब कमा रहा है, थाना में दलाली हो रहा है, कलेक्टर की यहाँ दलाली हो रहा है, तो कौन देखने वाला है? देखिए पूरा का पूरा समझिए घुसखोरी, बिहार के अंदर घुसखोरी है। ऐसी घुसखोरी को चाचा बड़ा बढ़िया समझाए। नीतीश कुमार भी घुस ले रहे हैं, तौरी कोई को पूछ। अब की बार किसको जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं जे सर्वदलीय का सरकार बने। निर्दलीय का? सर्वदलीय का। सर्वदलीय कौन है? कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बने। कांग्रेस पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी के सरकार बने। अब नेता है? नेता है। क्या है नेता में? CPIML के नेता है। अच्छा, अध्यक्ष है का? नहीं, हम अंचल के हैं। अच्छा, अंचल से हैं। मैं कुछ और बात करूंगा यहाँ के। क्या नाम पड़ेगा भाई आपका? रंजीत कुमार। रंजीत कुमार जी बताइए, रोडवा से क्या समस्या है आपका? रोडवा से यही समस्या है कि यहाँ पब्लिक को आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रही है। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? कहना यही चाहते हैं कि रोड इसे बनवा दे जब पब्लिक को सुविधा मिले। समझिए तेल का महंगाई तो आप देख ही रहे, महंगाई देख ही रहे हैं। और उसमें अगर क्लच बार बार दबाया जाए, ब्रेक दबाया जाए, तो समझिए कि अचानक से कोई अगर गाड़ी चलाते समय अगर कोई छड़ा छुरी मतलब छटक के गाड़ी से किसी को लगी गया तो अभी दिक्कत है।